गुड मॉर्निंग गाइस। तो वीडियो है फ्राइडे मॉर्निंग की, और जैसे कि मेरा डेली का रूटीन है 6:30 बजे उठना और फिर उठ के बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करना। तो बच्चों के लिए ना मैंने पनीर के परांठे बना दिए थे और दही के साथ दे दिए थे उनको लंच में, और अपने लिए थोड़ा सा पनीर जो था वो मैंने रखा था क्योंकि पनीर थोड़ा ज़्यादा ही था। तो हमने ना पनीर का वो जो बच गया था पनीर, उसकी हमने बना ली थी भुज्जी नाश्ते में। और वैसे भी रात को मैंने साग भी बॉईल करके रखा था, तो मैंने उसको भी तड़का लगा लिया था, जितना हमने खाना था उतना। तो पहले ना अभी तक हस्बैंड जो थे वो काम पे नहीं गए थे, उन्होंने थोड़ी लेट जाना था काम पे, तो फिर मैंने सोचा कि इतने मैं क्यों ना अपने घर की सफाइयाँ ही कर लूँ, क्योंकि मेरे को मार्केट भी जाना था और जैसे कि हमने हिमाचल जाना था तो उसका भी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ था, शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत, और जो घर के काम होते हैं डेली के वो तो थे ही थे। तो फिर मैंने फटाफट जो भी अपनी डस्टिंग करनी थी वो करी, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाने लगी थी अब पोछा। और अब तक किचन का आधा काम जो था वो तो हुआ ही था, लेकिन मुझे अभी ना पनीर की भुजी बनानी थी और बाकी साग वगैरह और आटा जो था वो मैं लगा चुकी थी सुबह ही, क्योंकि बच्चों को ना पनीर के पराठे तो मैं लंच के लिए दे रही थी, लेकिन घर में जो था उन्होंने साग के साथ ही मैंने उनको ब्रेकफास्ट करवाया था, साग और पराठा। तो देखिए यहाँ पे पोछे का काम भी हो ही गया है। और इसके बाद ना मैं जो भी मेरे किचन का काम है, ब्रेकफास्ट की तैयारी करना अपने लिए और हस्बैंड के लिए, वो मैं करूँगी। और फिर उसके बाद मेरे को करनी थी पैकिंग, क्योंकि पैकिंग में ना काफ़ी टाइम तो लगता नहीं है खैर, लेकिन ये होता है कि हमने क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। तो मैं कितनी बार तो पहले ही कुछ सामान मैं डाल चुकी थी, फिर दोबारा उसको निकाल चुकी थी कि नहीं ये नहीं लेके जाना। तो बस यही होता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो ऐसे में ही छूट जाती हैं काफ़ी सारी पैकिंग की, तो इसलिए मैं सोच सोच के ना बस 2 दिन पहले ही पैकिंग करने लग जाती हूँ, और जो मुझे याद आता जाता है ना वही मैं बैग में रखती जाती हूँ। तो पैकिंग का तो यही होता है, लेकिन फिर भी मेरी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो छूट जाती हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और ये किचन में पड़े हैं सुबह के बर्तन, जो भी हमने चाय पी थी और बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया था उसके। तो सबसे पहले मैं ये बर्तन कर रही साफ, क्योंकि वही है ना थोड़ा बहुत जो खलारा होता है किचन में वो थोड़ा उठ सा जाए ना तो फिर काम करने का भी मन करता है, और बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह मेरे को बनाना था तो थोड़ी वो सफाई मैं कर ही लेती हूँ किचन की, फिर ही मैं जो है वो खाना बनाने की तैयारी में लगती हूँ। और काफ़ी सारे बर्तन वगैरह इधर उधर बिखरे पड़े हो ना तो किचन में आने का बिल्कुल मन भी नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिया है पनीर की भुजी बनाने के लिए, और पनीर जो था वो थोड़ा सा ही था लेकिन मतलब हम दोनों के लिए सही जो सब्जी थी इसकी वो बन गई थी, और वैसे भी हमारे पास साग भी था वो भी मैंने थोड़ा सा खाने लायक जो था जितना हमको खाना था उतना मैंने तड़का लगा लिया था उस साग को भी, वैसे मैंने बॉईल करके रखा था रात को ही, क्योंकि साग का तो ये है ना कि रात को खा रही है तो सुबह भी हम खा सकते, इतना अच्छा लगता है, और ये भी मतलब एक दो महीने के लिए ही आता है सर्दियों सर्दियों में सरसों का साग, और लगता भी बहुत अच्छा है खाने में। तो फिर हम ना हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में तो एक बार बन नहीं जाता है साग, एक दो महीने ही आता है, इसलिए हम भी मतलब बना ही लेते हैं कि हफ्ते में एक बार, और मेरे को भी काफ़ी पसंद है तो बना लेते हैं फिर हम। तो देखिए यहाँ पे पनीर की भुजी मैंने बनानी थी, पनीर भी इतना ज़्यादा था नहीं तो मेरे पास ये तड़का पैन है छोटा, तो मैंने सोचा कि इसी में ही आ जाएगी तो क्यों बड़ी कढ़ाई में बनाऊँ मैं इसे, तो मैंने इसी में ही बना दी थी पनीर की भुजी भी, और साथ ही साथ मैंने लगा ली थी रोटियाँ भी। ये मेरा काम था ब्रेकफास्ट का। अभी क्या था कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं नहा ली थी, और फिर मैंने सुबह की फिर जो था ना मैंने बाकी के काम किए थे, जो भी मेरे को डस्टिंग वगैरह करने थे या जो भी मेरे को साफ़ सफाई करनी थी।
क्योंकि आज मैं काफ़ी काम जो है वो टाइम से कर चुकी थी, मतलब अभी टाइम हो रहा था 10 बजे, और 10 बज रहे थे अभी, और 10 बजे से पहले पहले जो था झाड़ू पोछा वगैरह सब लग गया था, और लास्ट का बस यही ब्रेकफास्ट का ही काम रह गया था मेरा। तो बस ये काम करके मुझे जाना था मार्केट, और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी थी वो करके फिर मुझे वापस आते टाइम बच्चों को भी स्कूल से लेके आना था, आरू को, और फिर मुझे काम था कि दोपहर का लंच बनाना। तो लंच में मैं वही है कि रात को जो मैंने साग बॉईल करके रखा था ना, वही उसी को मैंने तड़का लगाना था, और एक मेरे को बनानी थी बच्चों के लिए दाल, क्योंकि वो साग इतना खाते नहीं, सुबह भी वो खा चुके थे साग, तो एक मेरे को दाल भी बनानी थी और साग भी बनाना था मेरे को। तो दाल का तो क्या था ना कि इतने मैं नहाने गई थी उतने मैंने दाल को बॉईल कर लिया था, और फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने उसको तड़का लगा लिया था मार्केट जाने से पहले ही, और साग का रह रहा था काम, तो साग को मैं अभी मैं जैसे आरू को भी स्कूल से ले आई हूँ और मार्केट से भी होके आ गई हूँ, तो मैं अभी जो साग है उसको तड़का लगा रही हूँ, और इसके साथ मैं बनाऊँगी चावल। तो हमारे पास पड़ी थी जो लाल वाली मसूर की दाल होती है ना, वो मैं बना के गई थी, और आके मैंने बना लिया था साग। तो साग तो ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ और बच्चे भी खाते हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादा नहीं, तो इनके लिए स्पेशली मैंने दाल बनाई थी। तो देखिए अब तक मैं स्कूल से आके लंच भी बना ही चुकी हूँ, लगभग लंच जो है वो भी बन ही गया है, और फिर ना मेरे को शाम को भी एक बार मार्केट जाना था, क्योंकि दोपहर की जो शॉपिंग थी ना वो जल्दबाजी में इतनी अच्छे से हो नहीं पाई थी, तो मेरे को शाम को भी जाना था मार्केट ही। तो मैं यहाँ पे लग गई थी लंच बनाते के साथ साथ ही रात की डिनर की। तो बस इसी के साथ मैं अपनी ये वाली वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।